और ये एक और यहाँ आज आसिया ने बनाई है, ये डक बनाई है इन्होंने, ये देखिए ये इसके विंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको टॉवल रैप का आइडिया दिए थे कि आप अपने टॉवल्स को किस तरह डिफरेंट स्टाइल से रैप करके रख सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं। तो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको डायनासोर्स दिखाए थे कि टॉवल से किस तरह फोल्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और आज हम आपको डक बनाना सिखाएंगे, डक किस तरह बनाएंगे हम टॉवल से। तो देखते हैं वीडियो को और आप लोगों ने कॉमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा आपको ये क्राफ्ट, मतलब ये टॉवल फोल्डिंग का आइडिया आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज हम क्या आपको सिखा रहे हैं और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पहले मैं टॉवल ऐसे करूँ स्टार्ट? हाँ स्टार्ट कर दो। ये मीडियम साइज़ का हमने टॉवल लिया है, बड़ा भी ले सकते हैं। हाँ बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास मीडियम साइज़ अवेलेबल था तो हमने इसी से ही ट्राई किया है। तो यह आपने इसका सेंटर पॉइंट बना लेना है, दोनों एजेस जो है, एंड जो है, आपने मिला के इसका सेंटर पॉइंट बनाना है। और फिर इसको सेम जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने इसको बिल्कुल इसकी कॉर्नर से रैप नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा इसको हल्का सा कर्व करके आपने इसको रैप करना है। और ये देखें, एक सेकंड रुकें, इसको दोबारा रैप करें। ये देखें आप इसको, ये देखें अब यहाँ कॉर्नर से टाइट करेंगे ना तो आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ से इसको हमने टाइट रखना है। तो और आप लोग क्या आइडियाज़ हमसे, आपके साथ हम इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोगों को कैसे लगे हमारे ये आइडियाज़ और हमारी ये क्या इसको बोलते हैं सुगर लड़की जो इतने अच्छे काम करती है। बस कभी कभी इसका दिमाग बहुत चलता है तो ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हमें देती है, क्योंकि मतलब ये नेट से जो है ना नई नई चीज़ें सीखती रहती है और फिर यहाँ हमें भी बताती, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते जल्दी। तो ये देखें ये इसकी नेक बन गई है और ये इस तरह किसकी शेप आएगी। ठीक है ठीक, ये हो गया हमारा वन पीस। यहाँ हमें दो टॉवल्स की ज़रूरत है और सेकंड टॉवल जो है वो भी सेम साइज़ ही है। सेम हमने जैसे पहले वाले टॉवल को हमने फ़ोल्ड किया था सेम वैसे ही हमने इसको भी फ़ोल्ड करना है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये मतलब एक्सपीरियंस। हमारा तो बहुत अच्छा रहा, हमने भी ट्राई किया है, सारी सी बातें देखा है नेट पे, बहुत सारे इस तरह के क्राफ्ट्स आइडियाज़ हैं तो ट्राई करने चाहिए। अब ये देखें वैसे ही हमने इसको फ़ोल्ड किया। अच्छा उसको हमने यहाँ फ्रंट से फ़ोल्ड किया था ऊपर वाले हिस्से से उसका फेस बनाने के लिए, इसको हमने नीचे से फ़ोल्ड, दोबारा करें एक दफ़ा दिखाएं, यहाँ से इसको हमने यहाँ नीचे से फ़ोल्ड किया है। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये जैसे डक पानी में तैर रही होती है ना, ये इसका वो शेप आएगा कि जैसे, और हमने ये चीज़ यूँ नीचे की, इसको हमने नीचे फैला, नीचे की तरफ फोल्ड करना है फिर हमने खोल, और यहाँ ऊपर से हमने इसको खोल लेना है। ठीक है, तो ये डक के जो है विंग्स होंगे, जैसे डक जो है वो पानी में बैठी हुई है अपने पर फैला के, तो इसका ये लुक आएगा। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और मतलब बच्चों के लिए एक्टिविटी अच्छी है, बच्चों को बिज़ी रखने के लिए कि अपने रूम को वो किस तरह सेट करें, अपने जो यूज़ की चीज़ें हैं अपने वॉश। चलिए ये देखें, ये एक हमारा फर्स्ट पीस है, एक जो पहला टॉवल हमने बनाया था उससे ये फर्स्ट पीस तैयार हुआ था इसका, और सेकेंड से ये, अब इसको किस तरह सेट करना है। अब ये देखें ये इसके ये ऊपर आ गए इसके, ये देखिए जी कितना अच्छा बन गया ये। यहाँ आप इसको पिन लगा के होल्ड कर सकते हैं, पिन भी, और अगर आपका ये चीज़ हार्ड, हाँ ये चीज़ अगर हमारे में थोड़ी सी इसकी हार्डनेस नहीं है तो ये देखें, हाँ इस तरह आप इसको पिन लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गई है डक। तो
कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो को देखते भी हैं और पसंद भी कर रहे हैं और आप कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। और यहाँ इसकी नेक को होल्ड करने के लिए, मतलब इस तरह ये स्ट्रेट रहे, तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा रहे हैं ताकि इसकी नेक जो है वो इस तरह यूँ खड़ी रहेगी। तो आपके कमेंट से ही पता चलेगा हमें कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट लाजमी किया कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इनके चैनल पे भी जाइएगा। इनका चैनल आसिया मलिक के नाम से है, ये शॉर्ट वीडियोस बनाती हैं, तो इनकी वीडियोज़ में भी आपको ये इस तरह के आइडियाज़ मिल जाएंगे। और ये जी कम्प्लीट हो चुका है हमारा, और यहाँ पर एक पहले से जो तैयार था वो है, अब हम इन दोनों को साथ बिठाएंगे। ये कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको ये स्टाइल, आप अपने वार्डरोब में, अपने फेशियल बेड पे, मैनिक्योर रूम, पेडिक्योर रूम में, टॉवल जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं आप लोग इसको इस तरह रैप करके रख सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा आपको, अभी दूसरी भी बन रही है तो दूसरी भी दिखाते हैं आप। और ये देखिए ये फाइनल हो गया है, आप लोगों ने बताना है, लाजमी कमेंट करना है कैसा लगा। ये बहुत ही इजी है, 5 मिनट में ये बन गया है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वीडियो में लॉन्ग लगेगा क्योंकि वीडियो हमें रोक रोक के बनानी होती है और जाहिर सी बात है एडिटिंग करनी होती है।